कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन करने वाले पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में गुरुवार दोपहर लगी भीषण आग ने 5 लोगों की जान ले ली। आग पर काबू पाने के बाद 5वीं मंजिल से 5 लोगों के शव बरामद किए गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये लोग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर थे। आग लगने की वजह का अभी पक्के तौर पर पता नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग में वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिसके चलते आग लगी। ये जानकारी पुणे के मेयर की ओर से मुहैया कराई गई। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में 15 दमकल की गाड़ियों को लगाना पड़ा। आग पुणे के मंजरी स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में लगी थी, जहां पर अभी कोरोना की वैक्सीन का उत्पादन नहीं हो रहा था, लेकिन जल्द ही यहां काम शुरू करने की तैयारी थी। उसी को लेकर यहां तेजी से काम चल रहा था। आग में प्लांट के 2 फ्लोर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। राहत की बात बस इतनी रही कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वो टर्मिनल 1 गेट पर है, जबकि कोविशील्ड गेट नंबर 3, 4 और 5 के परिसर में सुरक्षित है। जो हमको सीरम ने माहिती दी उसके हिसाब से वैक्सीन का प्लांट या स्टोरेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बनने की तैयारी थी। जो सीरम ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि ये करीब 1 महीने के अंदर वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो सकता था, तो वहाँ पर उसका तैयारियाँ चली थी। प्रोजेक्ट्स था, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी था, कुछ लाइटनिंग के भी इश्यूज थे, वो सब सारी चीज़ें। तो नया बिल्डिंग है, यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा था? नहीं, मतलब प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा था, जो 4th फ्लोर 5th फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटिव। नहीं, प्रोडक्शन करने की तैयारी हो रही थी। रामाफेसी अभी इतनी जल्दी कमेंट करना ठीक नहीं होगा। पहली प्रायोरिटी आग बुझाने की है, लोगों का हिसाब लेने का है, उसके बाद हम अपने सारे एंगल से इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस बीच उद्धव सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।